सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है लकी पावर और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक पे एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे यहाँ पे जीता है, कैसी उसकी लाइफ होती है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचता है, क्या क्या चीज़ों से उसे गुजरना पड़ता है और क्या क्या उसके लिए मुश्किलें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको कैसे, पहले से ही ये वीडियो के थ्रू अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको आगे से कैसे टैकल करनी है जो आपको चीज़ें आने वाली हैं, मुश्किलें आने वाली हैं। So guys, she's Sushma Thapa and she's from Nepal and she's a international student here. So हम आज कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो सुषमा ऑनेस्टली एक आंसर देगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो मैंने यूट्यूब पे देखा था ना कि जो मैं इंडिया से देख रहा था और यहाँ पे आके जो चीज़ें देखी हैं मैंने, मतलब स्टूडेंट से बात की है, वो काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफर है। तो वो डिफरेंस आज हम कवर अप करेंगे कि क्या चीज़ें असली हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे झूठ बोल के बच्चों को बुलाया जाता है, या फिर कंसल्टेंट जो होते हैं वो झूठ बोल के बच्चों को बोलते नहीं वहाँ जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा ये सब। तो वो कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो सुषमा से मेरा पहला क्वेश्चन ये है गाइस कि कर क्या रही है यहाँ पे, तुम कौन सा कोर्स कर रही हो? So I'm doing masters in digital marketing. From which college? Ravenswan University. Okay. So दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब तुमने नेपाल से हो तो तुमने नेपाल से accommodation कैसे बुक की थी यहाँ पे? So we have a Nepalese group in Facebook. It's Nepalese in UK. With the help of that group, I book my accommodation. Okay. So mostly क्या करते हैं लोग कि Facebook पे जाके मतलब सर्च करते हैं, वहाँ पे होता है marketplace, तो वहाँ पे groups भी बने होते हैं, वहाँ पे rent out के लिए काफी सारी posting होती है, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। और सेकेंड वे ये है कि आप Airbnb भी कुछ हफ्तों के लिए बुक कर सकते हो और यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो, जो कि मोस्टली लोग यही करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फेसबुक से किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं तो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता और वो पहले इनिशियल पेमेंट मांगते। क्या तुमसे भी मांगी थी? हाँ, so we have to like book and pay around 500. 500. तो मतलब तुम्हारे मतलब तुम्हें ट्रस्ट हो गया था ऐसी, या फिर कैसे मतलब मतलब पैसे बहुत हैं कि कर देते हैं? नहीं नहीं, it was quite doubtful but I had like no other option so I did. Okay. बट बाय द वे, अगर आप थोड़े से भी डाउटफुल हो तो आप कुछ भी देख सकते हो, मतलब कंफर्मेशन लेना चाहिए फिर भी, जैसे एयरबीएनबी बुक करके कर सकते हैं। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने एक हफ्ते के लिए एयरबीएनबी बुक किया था, देन मैंने थोड़ा सा देखा था यहाँ कि फेसबुक के थ्रू या फिर काफी सारी एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो उनके थ्रू आप देख सकते हैं जाके, और पहले देखें तब उन्हें एक रुपया भी दें, क्योंकि यहाँ पे मतलब आपको काफी सारे लोग मिलेंगे जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो यहाँ पे काफी सारा फ्रॉड हो सकता है, जैसे यहाँ पे इंडिया में, नेपाल में, हर जगह होता है, वो यहाँ पे भी है। ट्रस्टवर्दी कुछ नहीं है जब तक आप सामने ना देख लो। सो सेकंड क्वेश्चन ये कि यहाँ पे आप तुम्हारा कितना मंथली एक्सपेंसेस हो रहे हैं? So I'm paying 500 for room and apart from that I'm like spending around 20 to 30 for my miscellaneous like including groceries, transportation and shopping. 230 230 plus 500, right? Yes. 730 के आसपास तुम्हारा मंथली एक्सपेंस? No. It's like 500 for rent and let's say like around 100. Okay. 100 for grocery. Yes. And other including, than, yes. Okay. So 700 के आसपास का पूरा महीने का खर्चा आ रहा है, मतलब 700 pounds. Yeah. Okay. So क्या तुम उसपे मतलब यहाँ पे earn कर पा रही हो या फिर तुम्हारी part time job लग चुकी है ना? Currently I'm doing a job at restaurant and I'm like earning decent amount but still I'm having some kind of like problem to cover all those expenses and that's why I'm asking so, money मतलब, from my home country as well. जैसे कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें यहाँ पे 4 महीने हो चुके हैं, right? मतलब अभी yes. तुम जैन इंटेक में आई थी और जैन इंटेक से तुम्हें कितने दिन बाद जॉब मिली थी, मतलब कैसे कैसे मिली थी, कितने दिन बाद मिली थी? Okay, so I got my job after 1 month and with the help of my brother friends. It's all about reference here. Okay, reference. So I did apply through different website like LinkedIn and other website as well, but I didn't get response from them. And in London, if you wanna have like job, it's all about reference. So you need to have a proper reference. And I got my job with the help of my brother's friend. So okay. So यहाँ पे क्या है कि ये सच कह रही है, यहाँ पे reference ही सब कुछ है। अगर आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से यहाँ पढ़ने आ रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो reference is must. और जहाँ पे जॉब की इतनी स्कैसिटी हो वहाँ पे तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जॉब है ही नहीं पार्ट टाइम में, क्योंकि मान लीजिए आपको पूरी सिटी में कहाँ जॉब ढूंढोगे, ऑनलाइन रिस्पॉन्स आता नहीं है, वो भी सच है, और ऑफलाइन जाओगे तो डोर टू डोर आपको यहाँ पे रिज्यूम बांटने पड़ते हैं फिजिकली कि भाई लो रिज्यूम और हमें बता देना, तो क्या होता है कि जो इंटरनली वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उनके भी लिंक्स होते हैं तो वो पहले ही लगा देते हैं, तो बाहर वालों को बहुत कम चांस, बहुत रेयर, मतलब मान लो कि
कैसे, मतलब अगर तीन चार दिन बाहर जाएं तो कहीं एक दो से रिस्पॉन्स आता है कुछ, राइट? या तुमने की थी डोर टू डोर? नो, आई मीन लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी टू गो टू लाइक डोर टू डोर, बट आई डिडंट फाइंड इट वर्थ इट, बट इट्स लाइक टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी बिकॉज वी हैव टू ट्रैवल सो मेनी प्लेसेस एंड वी नीड टू स्पेंड आवर मनी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, सो I find it like useless, like useless, right. As per me. Right, right, right. So the thing is कि यहाँ पे अपना भाई online apply करके देखो, हालांकि उससे कोई response आने वाला है नहीं, एंड डोर टू डोर में कुछ होगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि किसी से दोस्ती करो, उसके दोस्त से दोस्ती करो, उसके दोस्त से दोस्ती करो, तो लिंक्स बनाओ. एट द एंड ऑफ द डे आपके लिंक्स ही आपके लिए काम आएंगे यहाँ पे. और डोर टू डोर भी कर लो, देख लो, अगर घर पे पड़े हो इससे अच्छा है कि बाहर जाके कुछ शायद मिल जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है. सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सुषमा से, वो ये है कि यूनिवर्सिटी के पास रहना ज्यादा जरूरी है या फिर थोड़ा आउटर में रह सकते हैं, जैसे लंदन में यूनिवर्सिटी है किसी की, तो लंदन में रहना जरूरी है या फिर बाहर भी रह सकते हैं थोड़ा दूर, कि मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी कितनी दिन जाना होता है, तो उस डिपेंड, तो क्या क्या इससे, तुम कहाँ रहते हो, कितनी दूर रहती है यूनिवर्सिटी से? I guess it depends on college as well. I have like just 2 days college, and it's not that we have to live nearby the university. You have to if live nearby the your work. So basically, we have to go just 2 days a week. Okay. So बात यही है कि अगर आपका काम जहाँ पे है आपको वहीं रहना चाहिए, अगर आपको एक या दो दिन वीकली में जाना है यूनिवर्सिटी, तो डिपेंड करता है कि आपके प्रेफरेंस क्या है, आपको एरिया कौन सा पसंद आता है. सो ऑन माय बिहाफ और सुषमा के बिहाफ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको 3 दिन यूनिवर्सिटी जाना है तो यूनिवर्सिटी के पास रहिए, अगर आपको 3 से 4 दिन काम पे जाना है और 1-2 दिन यूनिवर्सिटी, तो फिर आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर रहिए, बाकी आपकी प्रेफरेंस है. और उससे क्या होगा, जितनी आप दूर रहोगे लंदन से आउटर में रहोगे, उतना ही आपका रेंट थोड़ा कम होगा. सो अभी जो सुषमा आई थिंक तुम जोन 2 में रह रही हो, राइट? जोन 2 1 और 1 के बॉर्डर पे, राइट? सो दोस्तों अब जो सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन है, वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे यार आधी फीस जमा करके आए या पूरी. तो सुषमा तुमने पूरी फीस जमा की थी या आधी? यस, आई पेड माय होल फीस इन मास्टर्स. इफ यू कैन यू जस्ट गो फॉर लाइक होल पेमेंट. व्हेन इट कम्स टू बैचलर यू हैव इफ यू लाइक पे वन होल ईयर फी, देन नेक्स्ट ईयर यू हैव टू do the job and you have to pay your fee by yourself, so it's gonna be more hard and complicated, but when it comes to masters it's quite easy as far as I know. That's right, kyunki masters ki fees bhi shayad utni nahi hoti, kyunki bachelors ki to yearly itni hoti hai jitni masters ki pure ek saal ki hoti hai. तो ये भी सही है, मतलब अगर आप पूरी फीस पे करके आते तो ही सही है, कि नहीं तो आप यहाँ पे आके पढ़ोगे या फिर आप यहाँ पे फीस जमा करोगे या फिर अपने अपने घर के काम करोगे या पढ़ाई करोगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो. एक साल आपको शायद 5 साल पीछे ले जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आप इतना स्ट्रेस ले लो कि आप मेंटली मतलब स्ट्रेस में चले जाओ, तो आपको दिक्कतें बहुत सारी आ सकती हैं. तो मैं कहूंगा कि पूरी फीस जमा करके आए यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं कि मास्टर्स आप कर रहे हैं आके तो फीस कवर अप कर पाओगे, नहीं भाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एक तुम कितना कमा लेते हो महीने में, मतलब मुझे लग रहा है 1,500 के आसपास कमा लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर वो पूरे 20 घंटे उन्हें मिलते हैं और वो भी 13-14 पाउंड के हिसाब से, राइट? तो मतलब यहाँ पे आप कमा सकते हैं 1300-1400 या 1200, तो मान लो अगर आपको 750-800 पाउंड का खर्चा आ रहा है और फिर अदर एक्सपेंसिस भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो 500 पाउंड महीने में बचा पाएंगे, और मुझे नहीं लगता पूरे साल में 5,000 बचेगा, राइट? पूरे साल में और कंसिस्टेंसी के साथ, तो वो मुझे नहीं लगता वो डील कर सकते हैं इस तरीके से. तो स्टूडेंट्स यही है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पूरी फीस पे करके आए या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पे करें, पर हाँ कमाने के पे करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि वो नहीं कर पाओगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फीमेल्स, लाइक क्या फीमेल्स यहाँ पे सेफ है, मतलब यहाँ पे रात को आना भी होता है जाना भी होता है, मतलब लेट नाइट भी आते हैं जॉब्स करके, या फिर क्लासेस भी यहाँ पे कुछ ऐसी होती है कि शायद रात के 8 बजे तक, तुमने बताया, तो क्या सेफ फील करते तुम यूनिवर्सिटी से घर आते हुए या फिर रात को काम से घर आते हुए? तो कोई कभी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि तुम्हें डर लगा यहाँ पे, या फिर कितना सेफ है तुम्हारी होम कंट्री से अगर रिलेटेड करें? The place where I'm currently living, it's safe. I don't know about other places, but it's safe. तो मेनली फीमेल्स के लिए यहाँ पे सेफ है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस काफी एक्टिव रहती है और चीजें यहाँ पे काफी अच्छी हैं और कंट्रीज से कंपेयर करें तो ठीक है फिर भी. और मतलब सुषमा से मेरी पहली बात हुई थी तो हाँ इसने कभी ऐसा इंसिडेंस बताया नहीं, सो मैंने सोचा कि इसे भी कवर अप करते हैं, क्योंकि फीमेल्स का काफी सारा क्वेश्चन ये सब रहते हैं. सो वेरी लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क टू सुषमा, लाइक आर यू मिसिंग योर होम कंट्री? ऑफ कोर्स आई डू. सो आई मिस लाइक फूड, माय फैमिली,
So, Nepal में सबसे ज्यादा फेमस फूड क्या है? तुम हिंदी बोल सकती हो, राइट? शी कैन स्पीक हिंदी बट नॉट दैट फ्लुएंट, बट दैट्स व्हाई शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश. सो हिंदी में बता दो अब लास्ट में कुछ कि तुम्हें हिंदी में क्या पसंद है, मतलब नेपाल का क्या खाना पसंद है, क्या फेमस है वहाँ का? मोमो, चाउमीन, सॉसेज, वो बहुत फेमस है एंड आई लव. तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि भाई नेपाल में मिलता है यार यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पे सब कुछ मिलता है या फिर कुछ कमियाँ हैं, मसाले नहीं मिलते या फिर कुछ भी? मिलते तो है पर वो वाले जो नेपाल के वाले टेस्ट नहीं है. एंड आई थिंक इट्स हायर इन प्राइस, राइट? या दे आर सो एक्सपेंसिव कि तुम लोग सोचोगे नहीं घर जाके खा लेंगे, राइट? तो दैट्स अ पार्ट, क्योंकि मैंने भी इंडियन जितनी ग्रोसरी शॉपिंग की है उसमें यही है कि यार एक तो वो मज़ा नहीं है जो इंडिया में था, और यहाँ पे आके फिर वो एक्सपेंसिव भी है, तो लगता है यार क्या ही खाएं. अगर क्या है कि स्टार्टिंग में जब लोग आते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि वन पाउंड इज इक्वल टू 104.48 एंड दैट्स ऑल. सो तुमने कैलकुलेशन खत्म कर दी या फिर अभी भी चल रही है तुम्हारी कैलकुलेशन? अभी भी थोड़ा थोड़ा तो है. अच्छा, खर्च करते हो तुम, सोचते हो कि नेपाल में इतने पैसे इतना महंगा? ओके, लेकिन हाँ तो तुम अर्न कर रही हो तो थोड़ा फिर भी कैलकुलेशन खत्म सा होता जा रहा होगा. बट हाँ, आके खत्म कर दो तो अच्छा, नहीं तो बहुत स्ट्रेस में चले जाओगे, क्योंकि यहाँ पे लोग यही करते हैं काफी महीने तक की कैलकुलेशंस, जस्ट लाइक मी. सो द लास्ट थिंग इज शी इज आल्सो हैविंग द YouTube चैनल, सो शी इज शेयरिंग समथिंग. सो गो. ओके, सो आई डू हैव अ YouTube चैनल, आई आस्क हिम टू पुट माय चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू फॉलो मी देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शावर मी सम लव एंड या. एंड द मेन थिंग इज कि जो वीडियो बनाती है वो नेपाली में बनाती है, तो इंडियन सब्सक्राइबर थोड़ा देख के जाना, लेकिन फिर भी जाना, सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, लाइक करना. आई होप यू गाइस विल लव माय कंटेंट एट लीस्ट. या फॉर श्योर, क्योंकि मैंने भी देखा था काफी अच्छा था. सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, एंड थैंक यू सुषमा फॉर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. दैट्स ऑल, थैंक यू.